बलदेव से भाजपा विधायक पूरन प्रकाश के ऊपर किसानों द्वारा लगाए गए आरोपों का भाजपा विधायक द्वारा खंडन किया गया है। आपको बता दें कि विगत दिनों पूर्व किसानों द्वारा वर्तमान विधायक पर किसानों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का आरोप लगाया गया था। विधायक पूरन प्रकाश का कहना है कि मुझे नहीं मालूम कि इस मामले में किसानों द्वारा महापंचायत की गई है या किस प्रकार से उन्होंने मुझे अल्टीमेटम दिया है। मेरे द्वारा किसी प्रकार की किसानों को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की गई। मेरे द्वारा पूर्व में कुछ झोला छाप डॉक्टरों के विरुद्ध स्वास्थ्य विभाग मथुरा को शिकायत की गई थी, जिस पर स्वास्थ्य विभाग मथुरा ने झोला छाप डॉक्टरों को चिन्हित कर उन पर कार्यवाही की और उनके क्लिनिक सील कर दिए। किसानों के हित में भाजपा सरकार बहुत कुछ कर रही है। किसानों के लिए कई योजनाएं भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, जिसका सीधा सीधा लाभ किसान उठा रहे हैं। हम किसान उठान के लिए कार्य कर रहे हैं। हम किसानों के लिए कोई गलत रिपोर्ट कैसे बन सकते हैं? भाजपा विधायक ने बताया कि असामाजिक तत्व के लोग सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठाते हुए आरोप लगाते हैं और बैठकें करते हैं। ऐसे लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। विधायक जी ने बताया कि अगर इस प्रकार का कोई मामला संज्ञान में आता है तो किसान भाइयों से इस मामले में बात की जाएगी और वह अपने बारे में जानकारी लेंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा जिससे किसानों को बुरा लगा। मुझे यही नहीं मालूम काय के लिए मुझे पास ना कोई अल्टीमेटम है ना मैंने कुछ कहा, मुझे अभी तक नहीं मालूम है। हमारा काम है, हमारी सरकार की जो योजना है, हमारी सरकार के जितने आपके सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, हमारा जो पूरा मंत्र है वो पूरा धरातल पे पहुँचे आखिरी छोर तक, हमारी योजनाओं का लाभ जो अंत्योदय के इंतजार में बैठा है वहाँ तक पहुँचे। हमारा वही एक्सरसाइज उसी के अनुरूप ही हमारे डबल इंजन की सरकार में, चाहे मोदी के नेतृत्व में चाहे योगी जी के नेतृत्व में, आप देख रहे हैं इतना बड़ा जनादेश मिला 2 महीने पहले ही। जो आपका रहता है विपक्षी पार्टी विपक्षी दल होते हैं उनका काम है अपना विपक्षी वो करना, विरोध करना उनका काम है, हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। वो कह रहे थे कि साहब विधायक जी ने मैंने किया कि साहब यहाँ पर मीटिंग नहीं करेंगे, ये मेरा काम तो रही है, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं विधानसभा में मेरा काम है, यह शासन प्रशासन का है कौन मीटिंग कहाँ करता है कौन नहीं करता है। जहाँ तक मेरा अपना सोच है, जनपद में मथुरा में झोला छाप जो डॉक्टर चल रहे जो लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी शिकायत जरूर मेरे द्वारा पूर्व में की गई थी, झोला छाप डॉक्टरों पर अंकुश लगाया जावे। ऐसा भी मालूम हुआ है कि इसमें भी 2 दिन पहले आपके क्षेत्र में झोला छाप थे जो अनधिकृत रूप से डॉक्टरी करते थे और कोई भी डिग्री ना होते हुए भी अपनी दुकानों को चलाते थे, उनमें जो है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उसमें छापा मारा गया और उसमें दुकानें सीज हुई हैं।